और इस बार हमने ठान लिया है कि तुम दो भाग के चले गए, लेकिन इस बार हम चार विधायक बनाएंगे। सूर समेत हिसाब किताब चुका नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, बताइए। दो भाग जाओ या चार बनाएंगे। और इतना अत्याचार, अभी मेरे साथी हैं, बैठे हुए हैं मंच पर, बैठे हुए हैं मेरे समस्त, ये जो खेरा गांव से आए हैं आप, आपके 25 बीघे जमीन कब्जा करने मिल रहा है, ये एप्लीकेशन दरखास्त लेके मेरे पास आए कि खैरा गांव के रहने वाले जाकर पास से हैं आप लोग, हमारे ही भाई अपने भाई हैं, और इनकी जमीन भी विधायक के 25 बीघा कब्जा कर। ऐसे ही हम लोग खारवा गांव में भी गए थे, तौली जी थे, साथी थे, वहां भी करीब तमाम गांव वाले साथ में रखे हुए हम लोग पहुंचे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसी जाकर समाज के बच्चों ने आपको रात देने के लिए इतना काम किया और आप एहसान फरमाशी भूल गए, और जिस समाज के लोगों ने आपको बिता दिया उसी समाज के जमीनों पर कब्जा करना भूल। जमीन अभी छोड़ दीजिए, 2023 में सारी जमीनें छोड़ दोगे अपने आप। 2023 में बीएसपी सरकार बनाएगी राजस्थान के अंदर, तब ये कहां करोगे आप? इसलिए मैंने कहा, मैं ऐलान करता हूं, गलती मत करिए, जाटों समाज की जमीनों पे, गरीबों की जमीनों पे, उन पर कब्जा करना बंद करो। और ये बात अच्छी तरह जानते हैं वो कि बहुजन समाज पार्टी किसी डरने वाली पार्टी नहीं, न झुकने वाली किसी के सामने पार्टी है। मैं बताना चाहता हूं, तमाम मेरी माताएं बहने यहां बैठी हुई हैं, मेरे युवा साथी खड़े हुए हैं, नौजवान युवा साथी, क्रांतिकारी युवा साथी खड़े हुए हैं। अभी हमारे आर्य जी ने बताया किस तरह से सहारनपुर में के बारे में बताया, किस तरह से गरीबी थी वहां पर, इतनी ज्यादा गरीबी, ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद, ये सब कायम था। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में बहन जी चार चार बार मुख्यमंत्री बने, सारी गरीबी खत्म हो गई, हर घर में खेत लगे, चार चार एकड़, तीन तीन एकड़ के, दो दो एकड़ के हमने जमीनें हमने गरीबों को दे दी, कि जिनके घर में कोई जमीन नहीं थी उस गरीब गरीब में भी हमने जमीन देने का काम किया, बच्चों को फ्री में पढ़ाने का काम किया। हमने कहा यही बच्चे तो भविष्य बनने वाले हैं, आज ये बच्चे कष्ट में हैं, बच्चे अच्छा ही बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो इनको शिक्षित करना जरूरी है, क्योंकि आप सब लोग बाबा साहब के माने वाले बैठे बैठे कि नहीं बैठे, कितने बाबा साहब को